So, hello Sahil, how are you? Yes, sir, I am fine. And how are you? Yeah, I'm also good, Sahil, thank you. Okay, so Sahil, first of all, will you please introduce yourself? Yes, sir. My name is Sahil Kumar and I am from Zirakpur BJ, located in Mohali district. All And I right. completed my graduation from GGTRT College that I do teach tier. And my short-term goal is to get a job in a Okay. company, is to get a experience. ऑल राइट दैट्स नाइस साहिल. सो अभी आपका अल्टीमेटली फ्यूचर प्लान क्या है साहिल? व्हाट्स योर पर्स? So basically my main interest in SEO. So I to get a job in main SEO. ओके, तो साहिल आपने SEO कंप्लीट किया हुआ है Yes sir, मैंने SEO किया. और प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क किया SEO के? Yes sir. ओके दैट्स ग्रेट. ओके साहिल, सो विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी? So basically domain authority is about the reputation about the main about our domain page in which we have created in which we have checked in most which to get a number 1 to 100. ओके, सो मुझे पहले आप बताओगे कि SEO कितने अलग अलग टाइप की होती है? सर बेसिकली जो ऐसे होते हैं वो मेनली तो 3 टाइप्स के होते हैं. जैसे कि फर्स्ट होता है इसमें ऑन पेज ऐसे है, और सेकंड होता है इसमें ऑफ पेज ऐसे है, थर्ड टेक्निकल ऐसे है. और वैसे इसकी वेरियस और भी होती ब्रांचेस. फॉर एग्जाम्पल इसमें होता है लोकल ऐसे हो जाएगा, इंटरनेशनल ऐसे हो जाएगा, एंड वेरियस अदर्स. वेरी गुड. और ऑन पेज में आपका मेन काम क्या रहता है? सर ऑन पेज एसईओ में बेसिकली जो भी हमारी वेबसाइट के अंदर ही हम वैसे ये सारा काम करते हैं. जैसे कि हम मेटा टैग करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन करेंगे, फीचर्ड इमेज कर देंगे, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग एट्सेट्रा. ओके, और ऑफ पेज में क्या जाता है? ऑफ पेज एसईओ में जो भी हम अपनी वेबसाइट के बाहर जो भी हम काम करते हैं उसमें वो सब आता है. जैसे कि हम वेबिनार्स क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट करेंगे, और जैसे कि हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं. ओके, तो बैकलिंक आपने क्रिएट किया है? यस सर. कौन से बैकलिंक्स क्रिएट किए आपने? सर बेसिकली वैसे तो गैस पोस्टिंग में हमने वो करे हैं पेस्टिंग. जैसे कि हमने गैस पोस्टिंग करी है, सोशल मीडिया सबमिशन करी हुई है, और इसके अलावा हम PDF सबमिशन एंड फॉर्म सबमिशन एंड डायरेक्ट सबमिशन. वेरी गुड. ओके, सो ठीक है साहिल, आपको इंटरनल लिंकिंग पता है क्या होता है SEO में? ये सर इंटरनल लिंकिंग में वैसे जो भी हमारे वेबसाइट के अंदर ना जो भी हम अपने वेबसाइट के जो भी लिंक जो भी हम वो लगाते हैं इंटरनल लिंकिंग, जो भी हम अपने पेस्ट करते हैं एंकर टेक्स्ट में जो उसको बोलते हैं और एंकर टेक्स्ट क्या होता है? एंकर टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट होएगा या फिर वर्ड होएगा ना जिस पे हम लिंक लगाते हैं उसको एंकर टेक्स्ट बोलते हैं. एग्जैक्टली राइट. और इंटरनल लिंकिंग की SEO में क्या इंपॉर्टेंस है? सर बेसिकली इंटरनल लिंकिंग में जो हम अपने उसमें वेबसाइट का लिंक लगाएंगे तो उसमें ट्रैफिक इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं और रेपुटेशन थोड़ी बढ़नी है. राइट. और इंटरनल लिंकिंग में क्या होता है कि आपके जो वेबसाइट के ट्रांजैक्शनल पेजेस है ना, यस सर. तो ब्लॉग पोस्ट के थ्रू ट्रांजैक्शन पेजेस को ज़्यादा इंटरनल लिंक देते हो, सो ट्रांजैक्शन पेजेस को ज़्यादा वेटेज मिले और उसकी रैंक में ज़्यादा उसकी अच्छी रैंक आए और फास्ट रैंक आए. राइट, वेरी गुड. ओके, सो साइट मैप, डू यू नो व्हाट इट इज? ये सर जो भी हमारे जो जो साइट का जो भी मैप होते हैं ना, जैसे कि XML और HTML होता है जिसके बारे में हम जो डाटा स्टोर या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं उसको हम साइट मैप बोलेंगे. और साइट मैप को आप सबमिट कहाँ पे करते हो? सर वैसे जो जो साइट मैप को हम सबमिट करते हैं वो भी ऐसे गूगल सर्च कंसोल में करते हैं ताकि जो हमारे वो ये रैंक हो सके गूगल के उसमें सर पे, मतलब कि अब वो रैंक होने में आसानी है उसको. वेरी गुड. और गूगल सर्च कंसोल पे आपने काम किया हुआ है? ये सर गूगल सर्च में काम किया हुआ. क्या हुआ? वेरी गुड. आप गूगल सर्च कंसोल में एक इंडेक्सेशन रिक्वेस्ट डालते हो, यस सर. राइट? उसके लिमिट्स पता है आपको, एक दिन में कितनी डाल सकते हैं? सर वैसे जो एक दिन में तो वैसे आपकी जो मर्जी, तो आप इनफिनिट भी डाल सकते हैं, पर आप ये अगर आपके पास फाइल है तो उसमें भी डाल सकते हैं, अगर आप प्लगइन से भी डालना चाहते हैं उसमें भी डाल सकते हैं. जैसे कि रैंक हो गया, यूज्ड हो गया, आपकी मर्जी. तो आप इंडेक्स करना चाहें तो आप इंडेक्स कर सकते हैं, वरना आप नो इंडेक्स करके भी कर सकते हैं. और अदरवाइज क्या होता है कि गूगल सर्च कंसोल में एक लिमिट है कि आप मोस्टली 10 to 12 इंडेक्सेशन रिक्वेस्ट एक दिन में डाल सकते हो. ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, सो बाउंस रेट क्या होता है बाय द वे? सर बेसिकली जो बाउंस रेट होता है ना, जैसे कि हमारे जो भी यूजर आ रहा है, अगर कोई भी उनकी क्वारी है, अगर वो हमारी साइट में आ रहा है और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता और फिर वो दूसरी और साइट में जाएगा, हमारी जो सिमिलरी होती है तो उसको बाउंस रेट बोलते हैं. अगर हमारी उससे वो सेटिस्फाई हो जाता है तो
तो उससे वो ओके होता है, वो बाउंस रेट ही बोलेंगे उसको. एग्जैक्टली. और बाउंस रेट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स पे डिपेंड करता है. यूजर जितनी एक्टिविटी हमारी वेबसाइट पे ज्यादा करेगा बाउंस रेट उतना कम होगा, राइट? और बाउंस रेट आप चेक कहाँ से कर सकते हो? सर वैसे आप जो बाउंस रेट है वैसे आप मोज में भी चेक कर सकते हैं, बाकी और भी प्लगइन्स है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं साइट ही. और मेनली गूगल एनालिटिक्स से चेक होता है बाउंस रेट. ओके, प्लगइन से नहीं होता. वी यूज गूगल एनालिटिक फॉर दिस पर्पस. ओके, ऑलराइट. सो ओके, स्पैम स्कोर का आपको बैकलिंक्स में क्या होता है? ये सर अगर जैसे कि हमारा जो अगर टॉक्सिक स्कोर कुछ ज्यादा ही होता है तो फिर उसमें स्पैम स्कोर हमारे ये बढ़ने के चांसेस होते हैं इसमें. और हम इसमें जो स्पैम स्कोर है इसमें हम मोज में भी चेक कर सकते हैं या फिर ये सेम ब्रश में भी. वेरी गुड. ओके, सो सॉप, व्हाट इज सॉप? सर वैसे बेसिकली सॉप होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, जो कि यूजर अगर गूगल या फिर जो भी ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म होता है अगर वो सर्च करे तो जैसे कि जो भी पहला पेज खोलता है उसे सर्च बोलते हैं. ओके, और सर्च पे किस टाइप की चीजें रैंक हो सकती हैं वेबसाइट के अलावा? सर वैसे वेबसाइट के अलावा उसमें आर्टिकल भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर जो भी लोकली जैसे कि स्टोर है उसमें भी आ सकते हैं. जो भी अब अलग अलग स्पॉन्सर्ड की हुई या फिर इंस्टाग्राम सब कुछ पीपल आल्सो आस्क फॉर हो गया, वीडियोस हो गए, इमेजेस हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, स्कीमास हो गए, राइट? ये सब भी. तो स्कीमा पता है आपको क्या होता है स्कीमा? वैसे जो जो स्कीमा मार्कअप ये वो लैंग्वेज होती है जैसे कि इसमें स्निपेट्स ये वगैरह आते हैं इसमें. राइट, स्कीमा मार्कअप schema.org वेबसाइट के थ्रू हम रेडी करते हैं. इट्स अ वोकैबुलरी, राइट, जो गूगल माइक्रोसॉफ्ट और याहू ने मिलकर डेवलप की थी. ओके, सो इट्स अ काइंड ऑफ समरी फॉर योर पेज. ऑल राइट, ओके, ऑल राइट साहिल, सो थैंक यू सो मच फॉर यू फॉर बीइंग हियर. ओके, इट वॉज रियली वेरी नाइस फॉर मी यू नो टू बी हियर.